वेलकम टू पीके कॉफी एंड कंपनी। लास्ट वीडियो में देखा था सोशल साइंस सिलेबस, ये सोशल साइंस सिलेबस कौन से चैप्टर एग्जाम में आएंगे, कौन से चैप्टर टीएम में आएंगे, किसकी हमें एग्जाम के लिए तैयारी करना है और किसके एग्जाम के लिए तैयारी हमें नहीं करना। आज देखते हैं बिजनेस स्टडी जिसका कोड है 215, बिजनेस स्टडी का सिलेबस जिसका कोड है 215। या कई दोस्त कमेंट करते हैं, बोलते हैं सर हिंदी मीडियम भी सिलेबस बताया करो। भाई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सेम सिलेबस होता है, जब मैं सब्जेक्ट चैप्टर बता रहा हूँ तो सेम चैप्टर चैप्टर है, मीडियम सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता कि भाई हिंदी में अलग सिलेबस, इंग्लिश में अलग सिलेबस है, सेम सिलेबस होता है। तो ध्यान रखना जो इंग्लिश में सिलेबस है वही हिंदी में है, जो चैप्टर इंग्लिश में बताया जा रहा हूँ कि भाई ये चैप्टर पेपर में आएंगे, ये चैप्टर टीएम में आएंगे, हिंदी में भी सेम वही रहेगा, अलग कुछ नहीं रहेगा। आओ देखते हैं बिजनेस स्टडी का सिलेबस जिसका सब्जेक्ट कोड है 215। तो जो पहला जो हमने देखा सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, जिसे 40% सिलेबस अब टीएमएम कर दिया है, 60% सिलेबस जो है एग्जाम के लिए छोड़ा है। तो इसके बाद बिजनेस की बात करूँ तो टीएमए के लिए 8 लेसन है और आपका पब्लिक एग्जाम के लिए 13 लेसन है, मतलब 13 लेसन हमें एग्जाम की तैयारी के लिए रखना है और 8 लेसन टीएमए में कवर हो जाएगा, उसकी एग्जाम की तैयारी हमें नहीं करना। तो आओ देखते हैं पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, पहला है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लेसन टू, जो लेसन टू है जिसमें कि सॉरी लेसन वन होगा, इन टू लेसन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। हाँ पहला है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जिसमें 2 लेसन है, लेसन वन नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, लेसन टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये दो जो 2 लेसन है ये आपके पब्लिक एग्जाम के लिए आएंगे, तो इसकी हमें तैयारी करनी है। लेसन वन और लेसन टू नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस और दूसरा है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये लेसन 2 है जो आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे, इसकी तैयारी करना है। और मैंने आपको बता रखा है अगर आपके पास बुक्स नहीं आए और या बुक्स है आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो हमारे पास जो वेबसाइट है वहां से आप क्वेश्चन आंसर वाली गाइड ले सकते हो, जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं पूरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, विद आंसर रहता है और लेसन की समरी होती है, तो आप उससे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वो पब्लिक एग्जाम ऑन डिमांड स्ट्रीम टू सबके लिए एप्लीकेबल है, जो बच्चा जिसमें एग्जाम दे रहा है पब्लिक में दे रहा है, पब्लिक में ऑन डिमांड दे चाहे ऑन डिमांड में जिसमें भी देना चाहे, वो आपके गाइड आपके काम आएगा, तो आप वो बाई कर सकते हैं। और बाई जितनी ज़्यादा हो जल्दी करें, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होता है टाइम, तो डिलीवरी में हमें टाइम लग जाता है, तो कोशिश करें कि अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं आप आज ही ऑर्डर करें। और जिन्होंने अभी एग्जाम फीस पे नहीं किया जल्दी से एग्जाम फीस पे कर दें, आप लोग जानते हैं बिना एग्जाम फीस के आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपका सेकंड ब्लॉक है, जिसमें लेसन 3 है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और फोर्थ लेसन है कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इन्होंने भी ना जो लिखा है एक स्पेस नहीं दिया, एनएस वाले भी हद करते हैं, ट्रेंड बंदा बैठाया है स्पेस ऐसा हो रहा है। सोशल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लेसन 3-4, ये भी आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे, इसे भी टीएमए में आपके नहीं आएंगे, पब्लिक एग्जाम में आएंगे, इसकी तैयारी करनी है। अगर आपके पास बुक्स नहीं आए तो गाइड बता दीजिए, गाइड ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर लें और जितनी वीडियो देख रहे हैं उसी दिन प्लेस कर लें, ताकि ज़्यादा जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए। एग्जाम अब पास में ही आने वाले हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डिलीवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर की बात करें 7 लेसन है, पहला है लेसन 7 कम्युनिकेशन सर्विस, लेसन 7 कम्युनिकेशन सर्विस, लेसन 9 बैंकिंग सर्विस, लेसन 10 इंश्योरेंस सर्विस। ये तीनों जो लेसन है ये भी आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे, इसकी तैयारी आपको करनी है, पब्लिक एग्जाम में आएंगे मतलब कि एग्जाम में आएंगे इसकी तैयारी करनी है। और ध्यान रखना जो सिलेबस है ये ऑन डिमांड के लिए नहीं है, ऑन डिमांड के स्टूडेंट के लिए सिलेबस नहीं है, क्योंकि ऑन डिमांड में सारे ही आते हैं, उसमें टीएमए नहीं होता, तो उसमें टीएमए के लिए छूट नहीं मिलती, उसमें सारे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना ऑन डिमांड में सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर टीएमए की छूट नहीं मिलती है। पब्लिक एग्जाम जो अप्रैल अप्रैल मार्च में होता है
और जो कि अक्टूबर नवंबर में होता है वही पब्लिक एग्जाम के लिए ही ये सिलेबस अप्लीकेबल होता है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 और 2 इसके लिए। तो मैंने बता दिया अभी लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 7, लेसन 9 और लेसन 10, ये आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे। अगर आपने कॉपी पेन ले रखा है कॉपी पेन लेके नोट कर लो ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है लेसन 7, लेसन 6, लेसन 8, लेसन 11। लेसन 5 है ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विस, लेसन 6 वेयर हाउसिंग, लेसन 8 पोस्टल एंड कोरियर सर्विस, लेसन 11 आउटसोर्सिंग। ये आपकी जो आएंगे टीएमए के लिए आएंगे, तो इसको आपको तैयारी नहीं करनी है, इसको सिर्फ टीएमए में कवर हो जाएगा, इसको अलग से आपको एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं करना है, ये आपके टीएमए में कवर हो जाएगा। और जो ऑन डिमांड के स्टूडेंट होते हैं उसको टीएमए में कवर नहीं होता, तो उसको तैयारी करनी है, ये डिफरेंस है। और दूसरा क्या, अगर आपने टीएमए जमा नहीं किया है तो जल्दी से टीएमए जमा कर दीजिए। आप लोगों को पता है कि टीएमए जो असाइनमेंट होता है 20 मार्क्स का होता है, आपको क्वेश्चन आंसर लिख के अपलोड करना होता है वेबसाइट पे, वो 20 मार्क्स का होता है, और वो 20 मार्क्स आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड होते हैं। और आपने टीएमए जमा नहीं किया तो जल्दी जल्दी टीएमए जमा कर दीजिए। टीएमए जमा कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख सकते हैं टीएमए जमा कैसे करना है, टीएमए कैसे बनाना है, आंसर कैसे लिखना है, वो सारी डिटेल्स के अंदर मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट से भी आप बना बनाए टीएमए ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 4th मॉड्यूल है जिसमें लेसन 13 और 15 एडवर्टाइजिंग और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे। लेसन 12 परचेस एंड सेल्स, लेसन 14 रिटेल ट्रेड, लेसन 16 सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग, ये जो आपके आएंगे टीएमए में आएंगे, जिसकी तैयारी हमें नहीं करनी है। लेसन 12, 14 और 16 की तैयारी हमें नहीं करना है। 25 सेल्स रिटेल ट्रेड, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि आपके ओनली टीएमए में आएंगे, पब्लिक एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेसन 13, लेसन 15 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल एडवर्टाइजिंग, ये आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे, उसके पब्लिक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। अब मैंने आपको बता दिया, गाइड बुक्स ले सकते हैं आप वेबसाइट से, ताकि क्वेश्चन आंसर आराम से तैयारी कर पाओ, एग्जाम कैसे आते देख पाओ, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं, उसके आंसर कैसे लिखे जाते हैं वो देख पाओ। तो आज ही ऑर्डर करो और अपना कंप्लीट एड्रेस भेजना, क्योंकि आधा अधूरा एड्रेस भेजते हो डिलीवरी में दिक्कत आता है, वो रिटर्न आ जाता है। तो ध्यान रखना कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर प्रॉपर लिखना है। आगे देखते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस, जो 2 लेसन है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लेसन 17 और लेसन 18, ये भी आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे, तो इसकी आपको तैयारी करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको तैयारी करनी है क्योंकि आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है कैरियर अपॉर्चुनिटीज बिजनेस, चूजिंग कैरियर एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2 सब लेसन इसके अंदर, लेसन 19 और लेसन 20, ये भी आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे, तो इसकी आपको तैयारी करनी है। और आपका आ गया प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वे, लास्ट में आ गया प्रैक्टिकल अवेयरनेस एंड बिजनेस स्टडी, ये आपके टीएमए में कवर हो जाएगा, इसको पब्लिक एग्जाम की तैयारी आपको नहीं करना, ये कि आपके टीएमए में ही कवर हो जाएगा। जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे, इसके आपको पब्लिक एग्जाम सॉरी ये आपके टीएमए में कवर हो जाएंगे, से पब्लिक एग्जाम की तैयारी पे नहीं करनी है। ठीक है, ये है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट रिवाइज करते हैं क्या क्या चीज है। तो देखो पहले हमने बताया आपको टीएमए के लिए, टीएमए 40% जो सिलेबस है टीएमए कवर है, 60% सिलेबस आपको पब्लिक एग्जाम में कवर है। और जो पब्लिक एग्जाम में आएंगे वो लेसन 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, ये आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे, तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए गाइड बुक्स ले सकते हैं, अगर बुक्स नहीं आई है तो भी गाइड बुक्स ले सकते हैं, बुक्स आई है तो भी गाइड बुक्स लेके आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस क्वेश्चन के आंसर किस तरह लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। और जो टीएमए सब चैप्टर सिलेबस कवर होंगे 40%, वो जो लेसन है 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16 और 1, 21, ये जो सिलेबस है आपका पब्लिक एग्जाम
पीएमए कवर होगा, इसकी तैयारी नहीं करनी है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगले सिलेबस वो सब्जेक्ट सिलेबस देखेंगे और आगे देखते कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन लेना चाहो तो जितनी जल्दी हो एडमिशन ले सकते हो, कि लास्ट डेट अब नियर बाई है, 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।